नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थोड़ी सी छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी। इस समय मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है चालाक सारस। किसी जंगल में अनेक जल के प्राणियों से भरा एक तालाब था। वहां रहने वाला एक बगुला बूढ़ा होने के कारण मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। भूख से व्याकुल होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय एक केकड़े ने उसे रोता देखकर पूछा, मामा आज तुम रो क्यों रहे हो? वह बोला, तुमने ठीक देखा, अब मछलियों को खाने में मुझे बहुत वैराग्य हो गया है और मैंने मरने का व्रत ले लिया है। अब मैं पास में आई हुई मछलियों को भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर केकड़ा बोला, मामा तुम्हारे वैराग्य का कारण क्या है? वह बोला, आज मैंने ज्योतिषी से सुना है कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। इस तालाब का पानी जल्दी सूख जाएगा जिससे सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मैं उनका वियोग सहन करने में असमर्थ हूँ, इसी कारण मैंने ये मरने का व्रत लिया है। इस समय छोटे तालाब के सभी प्राणी अपने परिवार को बड़े तालाब में ले जा रहे हैं, परंतु इस तालाब के प्राणी निश्चिंत हैं। ये बात सुनकर केकड़े ने दूसरे प्राणियों से उसकी बात बताई। डर से व्याकुल होकर सारे प्राणी उसके पास आकर पूछने लगे, मामा क्या हमारे बचने का कोई उपाय है? बगला बोला, इस तालाब से थोड़ी ही दूर पर पानी से भरा एक तालाब है जो 24 साल बारिश ना होने पर भी नहीं सूखेगा, इसलिए यदि कोई मेरी पीठ पर चढ़े तो मैं उसे वहां ले जाऊंगा। उसकी बात का विश्वास करके चिल्लाते हुए सब उसके चारों ओर जमा हो गए। तब उस दुष्टात्मक बगले ने कुछ पीठ पर चढ़ा लिए और तालाब से थोड़ी दूर जाकर चट्टान पर रखकर अपनी इच्छा अनुसार खा लिया। इस प्रकार वह अपनी आजीविका चलाने लगा। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा पहले मेरे साथ आपकी बात हुई थी, परंतु आप मुझे छोड़कर दूसरे प्राणियों को क्यों ले जा रहे हैं? आज आप मुझे ले चलिए। बगले ने केकड़े की को पीठ पर चढ़ा लिया और उसे चट्टान की ओर चल दिया। केकड़े दूर से उसे चट्टान के आसपास मछलियों की हड्डियों का ढेर देखकर उससे पूछने लगा, मामा वह तालाब कितनी दूर है? वह मूर्ख बगुला भी ऐसा समझकर कि ये भी जल में रहने वाला प्राणी है और जमीन में बलवान नहीं होगा, हंसता हुआ बोला, दूसरा कोई तालाब नहीं है, ये मेरी जीविका का साधन है, तुमको भी मैं इस चट्टान पर रखकर खा जाऊंगा। उसके ये कहने पर केकड़े ने अपने दोनों दांतों से उसकी गर्दन दबा दी जिससे वह मर गया। उस बगले की कटी हुई गर्दन लेकर वह धीरे धीरे अपने तालाब में पहुंचा। तालाब के रहने वालों ने पूछा, तुम क्यों लौट आए? मामा अभी नहीं लौटे, वे देर क्यों लगा रहे हैं? हम बहुत उत्सुकता से हर क्षण उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर केकड़े ने कहा, उस झूठे बगुले ने हमें ठग कर थोड़ी ही दूर एक चट्टान पर यहाँ के सभी प्राणियों को खा डाला है। आयु शेष होने के कारण मैं उस विश्वासघाती का उद्देश्य जानकर उसकी गर्दन काट कर ले आया। तो देखा बेटे बच्चों, ज़्यादा चलाकी से भी अपना नुकसान हो सकता है। अब अगली कहानी है चतुर बंदर की। एक चालाक बंदर था, वह अपने गुट में सबसे शक्तिशाली था। एक दिन वह नदी के किनारे उछल कूद कर रहा था।
तभी उसे नदी में एक टापू दिखाई दिया। वह नदी में पड़ी चट्टान के ऊपर कूदा और दूसरी ही छलांग में चट्टान से कूदकर टापू पर पहुंच गया। टापू में बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें आम और जामुन के साथ साथ और भी बहुत सारे फलों के पेड़ थे। उसे वह बगीचा बहुत पसंद आया। उसने निश्चय किया कि अब वह रोज यहाँ आकर अपनी भूख शांत करेगा। इस तरह वह रोज उस टापू पर जाने लगा। वह दिन भर खाता पीता खेलता और शाम को अपने घर लौट जाता। उस नदी में एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता था। उस मगरमच्छ की पत्नी बंदर को आते जाते देखा करती थी। बंदर को देखकर वह सोचती थी कि ये रोज मीठे ताज़े फल खाता है, इसका दिल भी ज़रूर इतना ही मीठा होगा। ये सोचकर तो उसने मगरमच्छ से कहा, प्रिय मैं इस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं बंदर को पकड़ने का उपाय करता हूँ। उसने सोचा, मैं चट्टान के पीछे छुप जाता हूँ, जैसे ही बंदर चट्टान पर कूदेगा मैं उसे पकड़ लूँगा। बंदर फल खाकर टापू से वापस आने के लिए जैसे ही चट्टान पर कूदने लगा, वैसे ही उसे लगा कि चट्टान कुछ ऊंची कैसे हो गई है, जबकि पानी भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा, क्या कहीं कोई मुझे पकड़ने के लिए छिपा तो नहीं है, कहीं ये मगरमच्छ तो नहीं है। उसने चतुराई से काम किया और आवाज लगाई, ओ चट्टान ओ चट्टान। उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। वह दोबारा चिल्लाया, ओ चट्टान क्या आज तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मगरमच्छ ने सोचा, बंदर शायद रोज चट्टान से बात करता है, चट्टान उसे जवाब देती होगी। वह आवाज बदल कर बोला, हे बंदर तुम क्या चाहते हो। बंदर समझ गया और बोला, तुम कौन हो। आवाज आई, मैं मगरमच्छ हूँ। बंदर ने कहा, तुमने पहले झूठ क्यों बोला, तुम क्या चाहते हो। मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा दिल निकालना चाहता हूँ। बंदर ने सोचा कि टापू से बाहर निकल का कोई रास्ता नहीं है और ये मगरमच्छ मुझे मारना चाहता है, मुझे इससे बचकर यहाँ से निकलने का कोई उपाय करना चाहिए। बंदर ने उससे कहा, ओ प्यारे मगरमच्छ, मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ, अपना मुँह खोलो। बंदर के कहने पर उसने अपना पूरा मुंह खोल दिया और ये भूल गया कि ऐसा करने पर उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। बंदर उसके सिर पर कूदा और दूसरी छलांग में किनारे पर पहुंच गया। मगरमच्छ ने अपनी गलती समझ में आ गई। वह बंदर की बुद्धिमानी का प्रशंसा करते हुए बोला, ओ बंदर राजा, चार अच्छाइयाँ सभी में होने चाहिए जो कि तुम में है, जैसे सच्चाई, सोचने की शक्ति, मेहनत से काम करना और आत्मत्याग। तुमने कहा मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ये तुम्हारी सच्चाई थी कि तुम मेरे पास आए। तुमने कहा मुंह खोलो, ये तुम्हारी सोचने की शक्ति थी कि इस प्रकार मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊँगा। तुम्हारी मेहनत से काम करने की इच्छा थी, तुम चमकती बिजली के समान मुझ पर कूद कर उस पार चले गए। तुम में आत्मत्याग की भावना थी, अगर तुम ठीक से मेरे सिर पर नहीं कूद पाती तो मर भी सकते थे। तुम बहुत ही चतुर और शक्तिशाली हो, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें मारना चाहा। ये कहकर मगरमच्छ पानी में चला गया। बच्चों हमने देखा कि मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि बुद्धि और संयम से काम लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि मुसीबत में हम क्या करें ताकि उस मुसीबत से बाहर आ सकें। अब अगली कहानी है बच्चों, दयालु हाथी। हिमालय के जंगलों में एक सफ़ेद हाथी रहता था। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। उसकी आंखें इस तरह थी जैसे कि दो नगीने जुड़े हों। उसका मुंह लाल था और सोने के चमकते भाले के समान थी। उसकी टांगें इस प्रकार लगती थी जैसे उन पर मोम लगाया गया हो।
वह देखने में सबसे सुंदर लगता था। सारे हिमालय में उस जैसा कोई भी हाथी नहीं था। वह सब हाथियों का मुखिया था। वह बहुत समय तक मुखिया बने बने थक गया था। उसने दूसरे हाथी को मुखिया बनाया और अपना जीवन दूसरे की सहायता करने के लिए तथा कुछ पल एकांत में रहने के लिए वह घने जंगलों में चला गया। एक बार एक आदमी अपना रास्ता भूलकर घने जंगलों में भटक गया और जोर जोर से रोने लगा। जब सफेद हाथी ने उसका रोना सुना तो वह उसके सामने गया। आदमी डर के मारे भागने लगा। हाथी समझ गया कि वह आदमी उससे डर रहा है। हाथी रुक गया। अब आदमी समझ गया कि हाथी उससे मारना नहीं चाहता है। हाथी ने धीरे धीरे आदमी के पास पहुँच कर कहा, डरो नहीं। और उसने आदमी को बहुत मीठे फल खिलाए। जब आदमी का पेट भर गया और उसने कुछ पल आराम भी कर लिया तब हाथी ने आदमी से कहा, चलो अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ आता हूँ। हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। रास्ते में हाथी ने कहा कि तुम शहर में किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। पर वह आदमी बहुत चालाक था। उसके मन में ये लालच आ गया कि किसी भी तरह हाथी के दांत उसे मिल जाएं। उसने सोचा जंगल में फिर आना पड़ेगा, इसलिए जंगल के रास्ते पहचानने के लिए वह कुछ न कुछ निशानी बनाने लगा। हाथी ने आदमी को जंगल के बाहर छोड़ दिया और वापस जंगल में लौट गया। शहर में लौटकर आदमी सीधा हाथी दांत के बाजार में गया। एक दुकान पर पहुंचकर उसने दुकान के मालिक से पूछा, भाई क्या तुम जिंदा हाथी के दांत खरीदोगे? दुकानदार ने कहा, क्या कह रहे हो भाई, जिंदा हाथी के दांत? अरे वह तो बहुत कीमती होते हैं, कहाँ हैं, लाओ मैं उन्हें खरीदूंगा। लालची आदमी एक आदमी खरीदी और जंगल में पहुंच गया। आदमी को देखकर हाथी ने पूछा, अब तुम यहाँ क्यों आ गए? आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर तुम मुझे अपना हाथी दांत दे दो तो मैं उसे बेचकर कुछ धन कमा लूँगा और अपना जीवन काट लूँगा। हाथी बोला, ठीक है तुम आधा दांत ले लो, पर मैं अपना दांत कैसे निकालूँगा? आदमी बोला, दांत काटने के लिए मैं आरी अपने साथ लेकर आया हूँ। दयालु हाथी सूंड ऊपर उठाकर बैठ गया और आदमी ने आधा दांत काट लिया। हाथी ने कहा, ये मत समझना कि मुझे अपना दांत प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपना दांत में दे रहा हूँ। ये मेरे बहुत काम आता है, परंतु फिर भी तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इस प्रकार हाथी ने अपना दांत देकर उस आदमी को जंगल के बाहर छोड़ दिया। वह आदमी खुशी खुशी हाथी दांत के बाजार गया और दांत को बेच दिया। दांत बेच कर उसने जो धन कमाया उसे बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद सारा धन समाप्त हो गया। वह लालची दुष्ट आदमी फिर से हाथी के पास पहुंच गया और रोते हुए बोला, दांत बेचकर मैंने जो धन कमाया था वह तो कर्ज चुकाने में ही समाप्त हो गया। अगर तुम मुझे और दांत दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूं। हाथी ने दोबारा उसको दांत दे दिया। उस आदमी ने फिर से सारा धन शराब और जुए में उड़ा दिया और फिर से हाथी के पास दांत मांगने के लिए पहुंच गया। वह हाथी से बोला, तुमने जो दांत दिया उससे मेरे सभी काम पूरे नहीं हो सके। अगर तुम मुझे अपना दूसरा दांत भी दे दो तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाथी ने उस पर दया करते हुए दूसरा दांत भी दे दिया। लालची आदमी ने अपने स्वार्थ को पूरा होने पर भी हाथी के त्याग को नहीं समझा। आदमी जैसे ही जंगल से बाहर जाने लगा सारी पृथ्वी हिलने लगी। धरती इस पापी के बोझ को नहीं सह पा रही थी। धरती जगह जगह पर फटने लगी। वह दुष्ट पापी को अपने में समेटना चाहती थी।
ताकि वह लालची आदमी फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई पाप ना करे। सो बच्चों देखो, स्वार्थी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी भी उसका बोझ नहीं उठा सकती है। सो इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगली कहानी है दुष्ट राजकुमार की। एक बहुत दुष्ट स्वभाव का राजकुमार था। वह सबको तंग करता था, सभी से कड़वा बोलता, सभी का अपमान करता था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत खुशी होती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सभी लोग उसे दुष्ट राजकुमार कहते थे। एक बार वे अपने सेवकों के साथ नदी पर नहाने के लिए गया। अचानक आसमान में बहुत काले बादल छा गए। चारों ओर अंधेरा छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सेवक राजकुमार को वहीं छोड़कर किनारे पर आ गए। सेवक राज महल पहुंचे तो राजा ने सेवकों से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? उन्होंने कहा, महाराज हमें नहीं मालूम, सब जगह अंधेरा छा गया था, हम राजकुमार को नहीं देख पाए। हो सकता है राजकुमार नदी में तैरते हुए आगे निकल गए हों। राजा ने सभी सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही राजकुमार को ढूंढा जाए। उधर राजकुमार नदी के तेज बहाव में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। नदी में उसे एक पेड़ का तना बहता हुआ मिला। उसने उसे पकड़ लिया और उस पर बैठ गया। इसी प्रकार बहते बहते एक सांप, एक चूहे और तोते ने भी उस पेड़ को पकड़ा और उस पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। नदी के किनारे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी। वे दौड़कर गए और उन्हें देखकर बोले, डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ। तपस्वी नदी में कूद गए और पेड़ के तने को खींचकर किनारे ले आए। फिर वे सबको अपनी कुटिया पर ले गए और कुछ खाने पीने के लिए दिया। उन सबको कुछ गर्मी मिले ये सोचकर उन्हें कुटिया में एक कोने में थोड़ी सी आग भी जला दी। राजकुमार तपस्वी से नाराज हो गया कि उन्होंने पहले सब जानवरों को ही खाना क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तपस्वी ने मेरा अपमान किया है। तपस्वी ने कुछ दिनों तक उन्हें अपने पास रखा। जब वे स्वस्थ होकर घर वापस जाने लगे तब सांप ने तपस्वी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको सोने के 100 सिक्के दूंगा। तोते ने कहा कि मैं आपको चावल दूंगा। चूहा बोला, महाराज जब आप मेरे घर आओगे तब मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। दुष्ट राजकुमार तो कोई एहसान मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, जब ये मेरे पास आएंगे तब मैं इन्हें जान से मरवा दूंगा। कुछ समय बाद दुष्ट राजकुमार राजा बन गया। तपस्वी ने सोचा कि चलकर राजकुमार को बधाई दी जाए। तपस्वी कुछ फूल लेकर राजा को बधाई देने के लिए चल पड़ा। राजा फूलों से सजे हाथी पर बैठकर अपने शहर में घूम रहा था। उसने तपस्वी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपने सैनिकों से कहा, इस तपस्वी को पकड़ कर मारते हुए सारे शहर में घुमाओ। सैनिकों ने तपस्वी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तपस्वी सबसे पूछने लगा कि मेरा कसूर तो बताओ। तभी एक बुद्धिमान आदमी ने तपस्वी से सारी बातें बताने के लिए आग्रह किया। तपस्वी ने नदी से राजकुमार को बाहर निकालने से लेकर अंत तक की सारी बातें बताई। जिसने भी ये सारी बातें सुनी वही बोला, जो भलाई के बदले इस तपस्वी के साथ इतना अत्याचार कर रहा है वे हमारी क्या भलाई करेगा। सारे शहर में यह बात फैल गई। सभी अपने अपने घरों से निकल आए। सभी गुस्से में थे। उन्होंने राजा पर जूते, पत्थर, तीर इत्यादि से हमला कर दिया और राजा को मार डाला। उसका मुकुट भी उतार लिया। सभी ने तय किया कि अब वह तपस्वी को ही राजा बनाएंगे। इस प्रकार वह तपस्वी राजा बन गया। तपस्वी दुष्ट राजकुमार के पास आने से पहले सभी को
परखने के लिए सांप, तोता और चूहे के पास भी गया था। सांप ने तपस्वी को सोने के 100 सिक्के दिए थे। तोते ने तपस्वी को बहुत सारे चावल दिए थे। चूहे ने तपस्वी का स्वागत करते हुए उन्हें बहुत सारी वस्तुएं भेंट की थी। राजा बनने के बाद तपस्वी ने तीनों को बुलाया। सांप के लिए उसने सोने का एक बहुत बड़ा घर बनवाया, चूहे के लिए बहुत सुंदर बिल बनवाया और तोते के लिए सोने का एक बहुत सुंदर पिंजरा अपने महल में बनवाया ताकि तीनों सुरक्षित एक एवं आराम से रह सके। इस तरह तपस्वी राजा बनने के बाद अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हुए महल में रहने लगा। सो बच्चों, जो हमारे लिए अच्छा करता है उसका एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए है, बाकी फिर हम बाद में अगली बार दूसरी कहानियां पढ़ेंगे हम। ठीक है, नमस्कार।